हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से इस वेकेशन पीरियड में आप अपने यूकेजी क्लास के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। कई सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स। इन दोनों की ही प्रैक्टिस आप इस वेकेशन पीरियड में बच्चों को जरूर कराएं, जिससे कि उनकी बेस स्ट्रांग हो और जब स्कूल ओपन हो तो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो उन्हें अपनी स्टडी को समझने में काफी आसानी होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे राइट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स इन कर्सिव राइटिंग। यस, कर्सिव राइटिंग में आप बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों ही लिखने की प्रैक्टिस जरूर कराएं, क्योंकि मोस्टली स्कूल में ना यूकेजी क्लास से कर्सिव राइटिंग बच्चों को स्टार्ट कर दी जाती है। बिल्कुल इस तरह से आप ए से लेकर जेड तक के सभी लेटर्स बच्चों को कर्सिव में लिखाएं, जिससे कि वो कर्सिव के सभी लेटर्स अच्छे से लिख सके। तो आप इस वेकेशन पीरियड में बच्चों को कर्सिव राइटिंग जरूर सिखाएं। इसके बाद सेकेंड स्टेप हो जाता है लेटर आइडेंटिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे लेटर को पहचानने में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आप इस तरह से वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को लेटर की पहचान करना सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा है, एम क्यू आर। इस तरह से आप बीच बीच में से लेटर्स लिख कर दें और बच्चों को उसे रीडिंग करवाएं, जिससे कि वो लेटर को अच्छे से पहचानना सीखें। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, साउंड ऑफ लेटर्स। क्या होता है ना, जितने भी अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स होते हैं उनकी एक साउंड होती है। अगर आप उस साउंड को बच्चों को सिखा देते हैं ना तो वो आसानी से 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स को रीड करना सीखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि जितने भी 26 लेटर्स है उसकी साउंड्स हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी। फोनिक साउंड्स हम बच्चों को किस तरह से सिखाएं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। यहाँ पर मैंने जैसे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं, इस पिक्चर्स को बच्चों को बोलना है और जो स्टार्टिंग में साउंड उन्हें सुनाई दे रही है उस साउंड को बच्चों को इस बॉक्स में फील करना है। जैसे एप्पल, एप्पल बोलते समय फर्स्ट साउंड क्या आ रही है, ए, यानी कि ए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ए। आप कैपिटल और स्मॉल दोनों ही लेटर बच्चों को लिखने के लिए कहें, जिससे कि दोनों की प्रैक्टिस एक साथ हो पाए। बनाना, फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, ब, यानी कि बी। कप, क, यानी कि सी। ड्रम, डी, तो यहाँ पर हम डी लिख देंगे। ड्रम बोलते वक्त फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, ड, इसीलिए हमने डी लिखा। नेक्स्ट वर्कशीट है कलर दी वॉवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें ना आप बिल्कुल इस तरह से ए से लेके जेड तक के सभी लेटर्स आप बच्चों को लिखने के लिए कहें और जो भी वॉवेल लेटर्स हैं, जो 5 वॉवेल लेटर्स है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, उसे पहचान कर बच्चों को कलर करने के लिए कहें। ऐसा करने से ना हम ए से लेके जेड तक के सभी लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ उन्हें वॉवेल लेटर की भी पहचान करना सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वॉवेल लेटर्स हैं, चलिए फटाफट से हम कलर कर लेते हैं। जैसे ए, तो ए को हम कलर कर लेंगे ई, आई, ओ, यू, लाइक दिस। और नेक्स्ट वर्कशीट इज सर्कल दी वर्ड्स दैट स्टार्ट विद दी वॉवेल। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इन वर्ड्स को बच्चों को आप रीड करने में हेल्प करें और जो भी वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उसे बच्चों को इसमें सर्कल करना है। जैसे ए एक्स ई एक्स, यहाँ पर वॉवेल लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसे हम सर्कल कर लेंगे। आई जी एल डबल ओ इग्लू, इग्लू में आई से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल लेटर तो इसे भी हम सर्कल कर लेंगे। ऑन, यू आर एन, इसे भी हम सर्कल करेंगे। और कौन सा वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। एग, ई जी जी एग, ये स्टार्ट हो रहा है वॉवेल लेटर ई से तो इसे भी हमें सर्कल करना है। सो इस तरह से जो भी वर्ड वॉवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसे बच्चों को पहचान कर सर्कल करना है। नेक्स्ट वर्कशीट इज मेक 2 लेटर वर्ड्स फ्रॉम दी बिलो लेटर्स। यहाँ पर ना मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं,
इन लेटर्स में से आप बच्चों को टू लेटर वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे हम इन लेटर से कौन कौन से टू लेटर वर्ड्स बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, ओ एन ऑन, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे ओ एन ऑन। आई एन इन, ए टी एट, ओ एफ ऑफ, टी ओ टू। और क्या हम बना सकते हैं, ए एस एज। इस तरह से आप बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को टू लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। एक से दो बार आप जरूर प्रैक्टिस कराएं, देन तीसरे बार बच्चे आसानी से इसे लिख पाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वर्कशीट में मैंने कुछ थ्री लेटर वर्ड्स की प्रैक्टिस इंक्लूड की है, जैसे कंप्लीट दी वर्ड्स बाय यूजिंग ए ई आई ओ यू। इन फाइव लेटर्स यानी वोवेल के जो फाइव लेटर्स है उसका इस्तेमाल करके बच्चों को वर्ड्स तैयार करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड हम क्या बना सकते हैं, बी आई एन बीन, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे, एल ओ जी लॉग, एल ई जी लेग, दोनों ही वर्ड्स हम बना सकते हैं। S U N sun, B O X box, P I N pin, T A P tap, P O T pot, D A Y day, like this name the pictures। यहाँ पर मैंने कुछ pictures draw किए हैं, इसकी spelling बच्चों को लिखनी है। जैसे log, L O G log, फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर। कई बार ऐसा होगा कि बच्चों को इतनी बड़ी स्पेलिंग याद नहीं होगी, तो आप इसे धीरे धीरे करके बच्चों को लर्न कराएं। एक बार जब उन्हें अच्छे से इसे याद कर लेंगे ना, तो आप इस तरह के बड़े वर्ड्स बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। टॉय, टी ओ वाई टॉय, हेट, एच ए टी हेट, काइट, के आई टी ई काइट, लाइक दिस। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट में हम कुछ मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे रीड द इंस्ट्रक्शन एंड टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर बच्चों को आप इंस्ट्रक्शन रीड करके दें और उन्हें आंसर पर टिक करने के लिए कहें। जैसे टिक द बिग एप्पल, तो यहाँ पर जो बिग एप्पल है, बड़ा एप्पल है, उसे बच्चों को टिक करना है इस तरह से। टिक ऑन द स्मॉल बॉल, इसमें से स्मॉल बॉल कौन सा है, ये वाला, तो इसे हम हाँ टिक करेंगे। इस तरह से बच्चों को आप प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है काउंट द बिलो ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इन नंबर। यहाँ पर सिंपली बच्चों को ऑब्जेक्ट्स काउंट करना है और नंबर्स में यहाँ पर लिख देना है। जैसे फर्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 5, ये लास्ट वाला भी हम काउंट कर लेते हैं कि कितना सर्कल है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। इस तरह से आप काउंटिंग प्रैक्टिस भी बच्चों को जरूर कराइएगा। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट नंबर्स इन फिगर्स। यहाँ पर बच्चों को स्पेलिंग्स लिखी गई है, इसे फिगर में यानी नंबर में बच्चों को लिखना है। जैसे ओ एन ई 1, F O U R 4, T H R E 3, ये क्या है, S E V E N 7। इसी तरह से इसे भी आप रीड करके बच्चों को लिखने के लिए कहें। 10 1 0 10, 15 1 5 15, इस तरह से। नेक्स्ट वर्कशीट है फील ऑल मिसिंग नंबर्स। इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, बच्चों को इसे देखना है और जो नंबर मिसिंग है, जिसे लिखा नहीं गया है, उसे बच्चों को फटाफट से फील कर लेना है। जैसे 1 1 11 1 1 11 के बाद 1 2 12 1 3 13, 1 4 14 1 5 15, देन 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, एंड 2 1 21, 2 2 22। राइट आफ्टर नंबर्स, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, इसका आफ्टर नंबर बच्चों को लिखना है। जैसे 8 के बाद क्या आता है, 9, 12 के बाद 13, 1 3 13, 7 के आफ्टर 8,
17 के आफ्टर 18। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट बिफोर नंबर्स। इसमें बिफोर नंबर्स यानी कि जो नंबर पहले आते हैं उसे बच्चों को लिखना है। 12 के पहले हम क्या लिखते हैं? 11। तो यहां पर हम 11 लिखेंगे, 11। 19 के पहले 18, 18। 6 के पहले क्या आता है? 5। एंड 10 के पहले हम क्या लिखते हैं? 9। इस तरह से आप बिफोर और आफ्टर नंबर भी बच्चों को इस वेकेशन पीरियड में प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। इसमें से कई सारे टॉपिक्स आप बच्चों को इस वेकेशन पीरियड में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जिससे कि उनकी बेस स्ट्रांग हो। इन सभी टॉपिक्स को ना हमें बड़े ही आराम से बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट और भी बढ़े और वो आसानी से बहुत ही इंजॉय करते हुए अपने स्टडी को कर सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।